अब अस्सलाम वालेकुम, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो होगी एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र से पहले हम ज़रा फर्टिलाइज़र सेक्टर को ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस में 50% हाइक का ऐलान किया, तो क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट है कि आप जो सर्कुलर डेट है उसको कम करें, और उसको कम करने के लिए आप गैस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाएं, तो उसकी वजह से ये सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइसेस थोड़ी सी गिरी हैं फर्टिलाइज़र कंपनी की शेयर की, क्योंकि गैस एक मेन कंपोनेंट है यूरिया की प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी वजह से आप देखें एग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस भी नीचे आई है, FFC की प्राइस भी नीचे आई है। तो ये बड़ी अच्छी एक ओवरऑल अगर आप देखें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। अब हम आते हैं ज़रा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ये आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और ये वीकली चार्ट है। अच्छा जी, ये आप देखें कि ये जो स्टॉक है ये मार्च 2020 से लेकर तकरीबन सितंबर 2022 तक अप ट्रेंड में मूव करता रहा है। आप देख सकते हैं कैसे कि आप देखें इसने हायर हाइज लगाए हैं। ये मैं जो सर्कल है वो ड्रा कर रहा हूँ, देखें हायर हाइज जो हैं इस स्टॉक ने मुसलसल लगाए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक सितंबर 2022 में इसने अपने अप ट्रेंड को इस जगह पे ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जो है ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सका, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता इसने अप ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे की तरफ जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में रहा, और सितंबर 2022 में इसने अपने अप ट्रेंड को ब्रेक किया, और इस वक्त ये स्टॉक 75.82 रुपीज़ पर जो है उसकी क्लोजिंग प्राइस है। अच्छा जी, इस जगह पे देखें जहाँ ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं ब्लू लाइन जो है उसे कलर दे देता हूँ। ये जो आपके सामने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे स्टॉक बार बार आता है और यहाँ से रिबाउंड करता है। कैसे, ये देखें, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया अपनी सपोर्ट पे, और यहाँ से दोबारा इसने रिबाउंड किया, दोबारा ये अपनी सपोर्ट पे आया, फिर रिबाउंड किया, फिर दोबारा यहाँ अपनी सपोर्ट पे आया, फिर दोबारा यहाँ से रिबाउंड करके ऊपर गया, और अब ये दोबारा ये स्टॉक जो है अपनी इस सपोर्ट पे जो है वो आया हुआ है। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल करना है तो इस जगह पे आपको बाय कर लेना चाहिए। आपको 75.82 रुपीज़ पे बाय करके आप जो इमीडिएट टारगेट प्राइस रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं तकरीबन 79 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर आपने वैसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये बड़ी अच्छी बाइंग प्राइस है, डिविडेंड यील्ड इसकी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है। तो ये था हमारा एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड के हवाले से रिव्यू। अगर आप भी ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूं, डिटेल में मैं डिस्कशन करता हूं। इस पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 6000 रुपये है, और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।